हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लाई हूँ, जिसका नाम है सच्ची देश भक्ति। यह कहानी डॉक्टर रंजना जायसवाल जी ने लिखी है और जो कि मिर्ज़ापुर में रहती हैं। तो चलिए इनकी कहानी सुनते हैं। एक छोटे से शहर में चीनू नाम का एक लड़का रहता था। वह 6 साल का चीनू बहुत ही शरारती था। वह एक जगह पर शांति से बैठ नहीं सकता था और ना ही वह कभी कोई अच्छे काम करता था। सारा दिन भर कभी घर, कभी स्कूल, मोहल्ले में कोई ना कोई शैतानी करता रहता था। उसकी इस हरकत से घर, स्कूल और मोहल्ले के लोग भी बहुत परेशान रहते थे। कुत्ते की पूंछ को मोड़ देना, गाय को पत्थर मार देना उसके लिए जैसे कोई खेल था। स्कूल और घर में भी वह अक्सर पानी के नल को खुला छोड़ देता था। कॉपी को फाड़ कर हवाई जहाज बनाकर उड़ा देना उसके उसका पसंदीदा शौक था। हर दिन कोई ना कोई शिकायत लेकर घर आता ही रहता था। चीनू की माँ ने उसे हर तरह से समझाने की कोशिश की। चीनू हर बार माँ से वादा करता था कि आगे से वे ऐसा कोई भी शैतानी वाला काम नहीं करेगा, पर चीनू तो चीनू था, वो तो मानता ही नहीं था। आज सुबह से माँ किचन में लगी थी, तभी, अरे माँ क्या बना रही हो? आहा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ढोकला बना रही हो? कितना प्यारा रंग है, आज कुछ खास है क्या? प्लेट में 3 रंग के ढोकले रखे थे, केसरिया, सफेद और हरा। माँ ने चीनू की तरफ प्यार से देखा और बोली, अच्छा चीनू, ये बताओ इस ढोकले को देखकर तुम्हें किसकी याद आती है, जल्दी बताओ। चीनू सोचने लगा, ये रंग कहीं देखे हैं। वो खुशी से उछल पड़ा और बोला, माँ मुझे याद आ गया, ये तो हमारे देश के झंडे का रंग है। ये हमारे स्कूल की छत पर भी लगा है, मैंने इसे देखा है। बहुत बढ़िया, माँ ने चीनू के गाल को प्यार से थपथपाया और ढोकले का एक टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। आज 15 अगस्त है, यानी स्वतंत्रता दिवस। आज के दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी। इसी खुशी में चीनू के पसंद के ढोकले बने हैं। जानते हो चीनू, यह हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। चीनू आश्चर्य से माँ की बातें सुन रहा था। चीनू जरा टीवी तो चालू करो, आज परेड आ रही होगी। चीनू बंदर की तरह उछलकर फटाफट टीवी के पास पहुंचा और टीवी चलाकर देखने लगा। एक जैसे यूनिफॉर्म में सैनिक कदम ताल कर रहे थे, प्रधानमंत्री को सलामी दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने लाल किले को प्राचीर से देश को संबोधित किया। तभी आसमान में हेलीकॉप्टर से जनता पर फूलों की वर्षा की गई। हवाई जहाज 3 रंग का धुआं, केसरी, सफ़ेद और हरा उड़ाते हुए आसमान में गुम हो गए। कितना रोमांचक था ये सब। माँ माँ, वो आगे वाले सैनिक को देखो, उसके सीने पर कितने सारे मेडल हैं। चीनू, जिस तरह से तुम अपने स्कूल में जब कोई अच्छा काम करते हो और तुम्हें सर्टिफिकेट और मेडल मिलते हैं, उसी तरह के से उनकी वीरता और देश की रक्षा करने के लिए सम्मानित किया जाता है। आज इन्हीं लोगों की वजह से हम सुरक्षित हैं और अपने घरों में चैन से सो पाते हैं। माँ की बात सुनकर चीनू उत्साह से भर गया। माँ, मैं भी बड़ा होकर सेना में भर्ती होऊंगा और देश की सेवा करूंगा। चीनू एक सिपाही की तरह माँ की आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया और अपने नन्हे से बेटे के मुंह से ये बातें सुनकर माँ मुस्कुराने लगी। बेटा, सरहद पर जाकर युद्ध लड़ना ही देश की सेवा करना नहीं है। ऐसे बहुत से काम हैं जो हम खुद करके दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, वो भी सच्ची देशभक्ति कहलाती है। चीनू आश्चर्य से माँ को देखता रहा। उसकी छोटी छोटी आंखों में ढेर सारे सवाल तैर रहे थे। वो कैसे माँ, मुझे बताओ, मुझे भी अपने देश की सेवा करनी है, मैं भी सच्चा देशभक्त कहलाना चाहता हूँ। माँ ने चीनू को अपनी गोदी में बिठाया और बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चीनू जरूरी नहीं है कि हर कोई सिपाही बनकर हाथ में बंदूक लेकर दुश्मनों से लड़े। हम लोगों को सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अपने घरों के कूड़े को इधर उधर ना फेंक कर उन्हें निश्चित जगह पर रखें, कूड़ेदान में डालें भी हम अपना कर्तव्य निभा सकते हैं।
ब्रश करते समय, नहाते समय, बर्तन धोते समय समय भी हम अनावश्यक जल को बर्बाद होने से रोक सकते हैं। ये भी हमारी देश की सेवा ही कहलाती है। पर्यावरण की रक्षा करना, लोगों को प्लास्टिक के थैलियों को छोड़कर जूट, कपड़े, कागज से बने थैलों को का प्रयोग करने के लिए जागरूक करना और लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना भी एक देश सेवा है। माँ, ये सभी काम तो बहुत आसान हैं, मैं चुटकियों में सारे कर सकता हूँ। चीनू खुशी से झूम उठा। आज मानो उसे जीने का मकसद मिल गया था और सच्ची देशभक्ति का क्या अर्थ होता है यह भी उसे समझ में आ गया था। तो देखा बच्चों, सच्ची देशभक्ति आप भी अपने आसपास के लोगों को पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, कचरा सही स्थान पर फेंकने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।